Hello everyone and welcome to my another video. I'm Chaitrali Bandhe, currently studying in Orenburg State Medical University third year. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में. तो नीति आयोग एंड NMC ने मिलके ये डिसाइड किया है कि 2023 से नेक्स्ट का एग्जाम हो सकता है. तो बहुत सारे न्यूज़ में भी ये आया है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने ये मेंशन किया है कि नेक्स्ट का एग्जाम हो सकता है एंड ऑल्सो टाइम्स नाउ में भी ये मेंशन किया गया है. मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगी. तो नेक्स्ट क्या है? बेसिकली नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो रिप्लेसमेंट की तरह या सब्स्टिट्यूट की तरह माना जा सकता है नीट PG के एग्ज़ाम के लिए. तो सबसे पहले ऐसा होता था कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन्हें दो एग्ज़ाम देने होते थे, एक MCI स्क्रीनिंग के लिए एंड सेकेंड था नीट PG का एग्ज़ाम. एंड दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट सिर्फ एक एग्ज़ाम देते थे नीट PG का. तो अब ये ना होते हुए सबके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा जो होगा नेक्स्ट का एग्ज़ाम. तो जैसे हम बहुत बार ये होता था कि बच्चे अपनी इंटर्नशिप को इग्नोर करके PG की प्रिपरेशन में लग जाते थे, उस वजह से वो कहीं ना कहीं कोई क्लिनिकल स्किल्स लैक करते थे. तो जैसे US में होता था कि US में जो USMLE का एग्ज़ाम होता है वो दिया जाता है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड ऑल्सो US ग्रेजुएट्स. तो ये USMLE का एग्ज़ाम देते हैं US की रेसिडेंसी के लिए. तो बेसिकली नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी ऐसे ही कर दिया है सिमिलर टू USMLE. तो USMLE का जो स्टेप 2 CK था वो होगा नेक्स्ट 1 एंड स्टेप 2 CS ऑफ USMLE होगा नेक्स्ट 2 का. नेक्स्ट 1 जो होगा वो आप 6 साल का अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको PG की सीट, अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको एक PG की सीट मिलेगी और एक मिनिमम एक एवरेज स्कोर डिसाइड होगा जो पासिंग होगा. जो आपने अगर पास कर लिया इसका मतलब आप लाइसेंस आपको मिल जाएगा एंड नेक्स्ट 1 का जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा 3 सालों के लिए. एंड नेक्स्ट को देने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होंगे. तो नेक्स्ट 1 होगा, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप एंड देन नेक्स्ट 2. तो यहाँ स्केड्यूल मेंशन किया गया है एग्जाम का. तो डे 1 पे होगा मेडिसिन 120 क्वेश्चंस मॉर्निंग में एंड देन आफ्टर ब्रेक होगा पीडियाट्रिक्स 60 क्वेश्चंस. देन डे 2 सेम मॉर्निंग में होगा सर्जरी, ऑर्थोपेडिया, एनास्थीसिया एंड रेडियोलॉजी को मिला के होंगे 120 क्वेश्चंस एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी 180 मिनट्स एंड ENT दैट इज ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी जिसके होंगे 60 क्वेश्चंस 90 मिनट्स एंड देन द डे 3 दैट इज ऑब्स गायनी एंड 120 क्वेश्चंस फॉर 180 मिनट्स एंड ब्रेक के बाद एक पोस्ट लंच ब्रेक के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी 60 क्वेश्चंस 90 मिनट्स एंड 10% प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे क्वेश्चंस होंगे एंड 10% CM एंड PSM दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन और 60% क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस्ड होंगे. एंड इफ सपोज अभी आपने नेक्स्ट का एग्जाम आपका दे दिया है, अगर आप अच्छे स्कोर के साथ पास करते हैं तो आपको PG में सीट मिलेगी एंड आप अपनी इंटर्नशिप करेंगे. एंड अगर आप सिर्फ पास कर रहे हैं एग्जाम नॉट विद अ गुड स्कोर तो आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं एंड अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट ही एग्जाम अगले साल फिर से देंगे. एंड इन केस अगर आपको PG की सीट मिल गई एंड आफ्टर आपकी इंटर्नशिप के बाद आप नेक्स्ट 2 का एग्जाम देंगे, नेक्स्ट 2 के एग्जाम भी अगर सपोज आपने अच्छे स्कोर से पास कर लिया तो आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी एंड यू विल गेट रजिस्टर एंड ऑल्सो यू विल गेट अ PG सीट. अगर सिर्फ आपने अपने नेक्स्ट 2 एग्जाम पास किया है तो आपको डिग्री मिलेगी एंड आपको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा बट PG की सीट आपको मिलने के चांसेस है. एंड अगर आप फेल करते हो जाते हैं नेक्स्ट 2 में तो अगले साल आप फिर से नेक्स्ट का एग्जाम देंगे एंड अगर आप एंड इन केस अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर से नेक्स्ट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो आपको एग्जाम फिर से देना होगा. तो यही जो न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ थी नेक्स्ट को लेकर एंड जो भी स्केड्यूल आया है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.